मतलब बेसिकली एक, एक ये होता है एक ऐसा बैरियर जो hinges पे टिका होता है, revolving barrier जिसको हम कहते हैं, इसको अगर मैं हिंदी में वैसे करूं निकलने के लिए जिसमें आपका फ्रेमवर्क के साथ आपका एक बैरियर अटका होता है उसको हम लोग दरवाजा बोलते हैं ठीक है अब क्या चीज है एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो एक लकड़ी का एक बोर्ड जिसको आपने हिंज में इंज को हिंदी में क्या बोलते कब्जे कब्जों में आपने अटका रखा है में अटका रखा है और वो रिवॉल्व होते हैं नाइनटी डिग्री पे वो आपके खुलते हैं उसको हम लोग दरवाजा बोलते हैं ठीक है है एक एक बहुत कॉमन सी चीज चीज अब मैं बताती आपको आप लोगों को जो चीज पता होनी चाहिए इंटीरियर डोर और एक्सटीरियर डोर दो तो अलग अलग टाइप के डोर्स होते हैं डोर्स ऑफ टाइप ऑफ डोर्स ठीक है दो अलग अलग टाइप के डोर है कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ इंटीरियर्स के लिए यूज करते हो कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप एक्सटीरियर के लिए यूज करते होता क्या है जैसे आपको आ, क्लाइंट के साथ जो होती है चीजें वो क्या है फ्लैश डोर किसी को नहीं पता किसको बोलते हैं। किसी को नहीं पता इंस्टाग्राम के चार वीडियो देख के आके लोग बकवास करते तुम्हारे सामने आके फ्लैश डोर लगाने जो बात फैक्ट है ना वो बता रहे जो फैक्ट है वो बता रही जो क्लाइंट करते हैं कुछ नहीं करेंगे जब वो आपको हायर करेंगे ना आपको हायर करने से पहले पचास हजार वीडियो देख के आ जाते हैं वो यूट्यूब पे कभी प्रिंटरेस पे डिजाइन छाट के कभी इंस्टाग्राम पे डिजाइन छाट के वो पूरा सर्वे करके डिजाइनर हायर करते हैं या तो एक क्लाइंट आएगा जो बिल्कुल ब्लैंक होगा जिसने कुछ नहीं करा उसका पता है उसने डिजाइनर हायर करना और फिर उसकी जान खानी ठीक है।, है एक बंदा है जो पूरी रिसर्च करके बैठा है उसके बाद जान खाते हैं जान सभी खाते हैं जो पैसे देगा तो वो चूज तो लेगा ही तुमको लेकिन दोनों ही चीजें अनोइंग है जो ज्यादा ज्ञान लेके आ जाए उसके साथ भी काम करने में प्रॉब्लम है और जो बिल्कुल ना लेके आए उसके साथ जो ब्लैंक है ना जिसको पता ही नहीं उसको चाहिए क्या उसके साथ भी प्रॉब्लम है तो जो नॉर्मल हैं और जो डिजाइनर्स हैं उनमें फर्क होता है कि आपको डिजाइनर्स को मतलब क्लाइंट को ये बताना पड़ेगा कि ये डोर आपका यहाँ नहीं चल सकता है क्यों नहीं चल सकता है ठीक है क्लाइंट से जब भी बात करो हमेशा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करो पहले उसके बाद आप उनको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाओ बात क्या करो क्योंकि पता है टेक्निकल लैंग्वेज में बात करने से आपकी नॉलेज का पता चलता है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नॉलेज किसी को झाड़ रहे हो यार ये ना बन के दिखा रहा होने आपको बड़ा डिजाइनर ऐसा वैसा ये नहीं होता काम करते हो यार उस फील्ड में हो आप फ्लाइट को फ्लाइट नहीं बोलोगे तो क्या एरोप्लेन बोलोगे क्या खड़े होके जो बात है वो है ना जो चीज बोली जाती है जिस तरीके से बोली जाती है उसको वही बोलते तो वो वाली चीज है अब क्या है एक्सटीरियर डोर्स के अंदर और इंटीरियर डोर्स के अंदर एक टाइप का डोर है जो कॉमन है जिसको हम लोग पैनल डोर बोलते हैं आपको फोटो में दिख रहा होगा पैनल डोर पैनल डोर आपने देखे होंगे ज्यादातर लकड़ी के ठीक है मैं आपको एग्जांपल्स भी दे देती हूँ ये दरवाजे सबने देखे आज के टाइम पे थोड़े फैंसी ज्यादा है जब हम छोटे थे तो ये कभी हरे कलर के कभी ऑकर येलो कलर के घरों में लगते थे पहले भी ठीक है पैनल डोर है इनको हम लोग पैनल डोर कहते हैं पैनल डोर आपके घर के अंदर के दरवाजों में भी यूज हो सकते हैं और बाहर के भी यूज हो सकते हैं क्योंकि पैनल डोर जो होते हैं ना वो लकड़ी के बनते हैं प्रॉपर मतलब सॉलिड वुड के वो बनाए जाते हैं ठीक है एक छोटा सा क्वेश्चन वुड के ऊपर पहले पूछ लेती हूँ क्योंकि मैं काविंग डोर में फिर आऊंगी अगर so, आप लोगों को काविंग का काम कराना होता है नक्काशी जिस चीज को हम बोलते हैं अगर हमको करवानी होती है तो आप कौन सी लकड़ी यूज करते हो सॉफ्ट वुड करते हो कि हार्ड वुड करते हो और क्यों सॉफ्ट वुड और क्वेश्चन रिपीट करना एक बार दोबारा जब आप लोगों को अगर कोई फर्नीचर बनाना है जिसमें आपने काविंग करनी है इनले वर्क करना है

बताओ हम इसमें जो है हार्डवुड यूज करते हैं क्योंकि हम ये इसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है ये अभी अभी गूगल करके जो आए हो ना बेटा अभी अभी बैठ के।, के बहुत यहीं से तू तो रहता भी यहीं है बुला के मार दूंगा किस दिन कॉलेज भी मेरे घर के ही पास है यस मैम आने वाली हूँ कुछ दिन में कॉलेज के आगे से <coughs> चलो अब एक चीज क्या होती है सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड का जो मतलब है वो ये है कि सॉफ्ट वुड में नकाशी नहीं की जाती सॉफ्ट वुड का मतलब होता है आम की लकड़ी जिस लकड़ी के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है ठीक है हार्डवुड का मतलब होता है साल शीशम ये जो लकड़ियां होती है जिसके फर्नीचर बनते हैं जिनकी ग्रेन्स अच्छी आती है होता क्या है जब आप किसी सॉफ्ट वुड को फाड़ते हो जब आप उसमें आम की लकड़ी में कभी चाकू चला के देखना मरंडी बोलते हैं उस लकड़ी को आम की लकड़ी को आप अगर चाकू चला के देखना तो आप एक बार चाकू मारोगे ना उसका रेशा निकलता है एक बार जितनी बार मारोगे ना उसका ग्रेन्स निकलती है साथ में और तो वो जो ग्रेन्स निकलती है ना वो लकड़ी में डेंस कम होता है सॉफ्ट वुड में डेंस कम होता है तो उस लकड़ी के फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं ठीक है और जो हार्डवुड होता है वो बुरादे की तरह निकलता है जब आप उसको मारते हो जब आप उसमें नकाशी करना शुरू करते हो तो छिलती है लेकिन वो बहुत एक लेयर के साथ वो पाउडर के साथ भी छिलती है इस वजह से ठीक है तो जब भी आप हार्डवुड में आपको जब भी नकाशी का काम करना आप हमेशा हार्डवुड पे काम करते हैं ठीक है तो जो पैनल डोर है जो डोर्स हैं वो लकड़ी पे बनते हैं वो हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों में बन सकते हैं जो ये वाला जो दरवाजा था ये जो दरवाजा है ये आपका आम की लकड़ी पे भी बन जाता है मरंडी की लकड़ी सस्ती है कितने दिन तक चल जाएगा वैसे इससे चल तो जाता।, जाता है चलने में प्रॉब्लम नहीं है चल जाता है उसका ड्यूरेबिलिटी फिर वो देगा जो आपको लकड़ी बेचेगा वो बताएगा आपको कैसे का? का अच्छा, <laughs> मैं कैसे 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 पता चलेगा कौन कौन सा सा है सभी है एक ही दिखते। कभी ही नहीं। करने है का है है नहीं का का अच्छा और करने जो गो वो आते हैं लकड़ी के उन लकड़ी के मार्क्स में फर्क होता है जैसे आप एक इटालियन मार्बल पहचान सकते हो आप एक ग्रेनाइट पहचान सकते हो आप एक नॉर्मल मार्बल पहचान सकते हो खराब मार्बल पहचान सकते हो ये पहचान भी तब सकते हैं जब सारे देखे होते सिंपल है जब जो जो चीज चीज देखी देखी नहीं 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 जैसे मैं पहले से बोल रही नहीं, उसको आएगा नहीं समझ में ठीक है चलो आप एक बार डोर देख लिया एक्सटीरियर का पहला डोर था आपका आ, पैनल डोर पैनल डोर का मतलब ये होता है कि जिसमें पैनल बने होते हैं ठीक है पैनल डोर के टाइप भी बहुत सारे होते हैं जरूरी नहीं है कि ये चार चकते टाइप के ऐसे वाले बन जाए पैनल डोर इस टाइप के डिजाइन के भी हो सकते हैं पैनल डोर के बहुत अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं, के की तरह आपके पैनल डोर हैं। बहुत सारी मतलब ऐसा नहीं है कि ये पुराना से दिखने वाला दरवाजा हर वक्त पुराना जैसे ही बनाया जाए आप उसको चेंज कर सकते हो आप उसके पैनल चेंज कर सकते हो बहुत अलग तरीके से आप उसको बना सकते हो ठीक है सेकेंड है आपका विंडो डोर विंडो डोर का विंडो ऑफ डोर ना वर्ड प्ले है विंडो 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 प्लस विन्डोर, विन्डोर प्लस डोर डोर का मतलब यह है कि आपका एक ऐसा दरवाजा जिसमें आपकी आधी खिड़की लगी होती है खिड़की जैसा दिखता है खिड़की जैसा दिखने वाला दरवाजा है ठीक है नहीं स्पेलिंग गलत है ऐसा ओ, ऐसा कुछ जिन दरवाजों में आधे खिड़की की तरह दरवाजे बनते हैं ना जिसमें आधा शीशा लगा हो आपकी बाहर की चीजें अंदर दिखाई दे रही हो और नीचे आपका पैनल बना हो इसको हम लोग मतलब आधा खुला दरवाजा आधा खिड़की की तरह ऊपर से दिख रहा है और नीचे से वो है पूरा दरवाजा ठीक है इसको विंडो विंडो छोटा पैनल डोर लगा एक्चुअली ये वाले दरवाजे डबल डोर की तरह यूज होते हैं ना अच्छा डबल डोर कैफेज में तो लग रहे हैं कैफे में लग रहे हैं तो कैफे में इसके बाद शटर लगता है फ्रेंच डोर भी बोल सकते हैं मैम इसको फ्रेंच डोर भी बोल सकते हैं इसको पहली बार आवाज आई अच्छा लगा सुन के अपना सर इतना नीचे क्यों कर रखा है भैया ए भगवान ठीक है अच्छा डेकोरेटिव कार वुड डोर ठीक है कार वुड डोर बहुत सारे हैं आपने देखे भी होंगे अलग अलग डिजाइन है बहुत सारे डिजाइन है ठीक है जिन दरवाजों पे आपकी कार्विंग हुई है दरवाजों पे उनको हम लोग बेसिकली यही बोलते हैं और ये सारे के सारे दरवाजे आपके हार्डवुड पे बने दिस इज़ द टिपिकल पुराना दरवाजा ठीक है इस टाइप के दरवाजे अब आप, आप ये सोचो कि अगर इस टाइप का ये करवाना है तो इसको करवाने के लिए हमको करवाना मतलब मोटी एक तो बहुत मोटी डेंस की लकड़ी देखनी पड़ेगी ऐसी देखनी पड़ेगी जिसमें प्रॉब्लम ना करे लेकिन यही चीज ना आप अब अपने पैनल में बनवा सकते हो एमडीएफ के ऊपर बन जाता है उसमें भी हम आएंगे बाद में ठीक है ये आपके डोर के कुछ डिजाइन है ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको होमवर्क में बनानी है सारे के सारे और ये डोर नहीं है टॉस्टम का दरवाजा है मैंने परसों रील डाली थी इसकी आप किसी ने देखी होगी तो टॉस्टम का ये वाला दरवाजा मैंने अभी अपने रील पर डाला था टॉस्टम ये अल्यूमिनियम का दरवाजा है जो देखा अभी हमने ये डोर में बनाने हैं इस तो हो गया आजकल okay. नहीं, 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 नहीं।, नहीं नहीं कैसा भी होना जरूरी है पेंसिल चलानी आनी चाहिए पेंसिल चलानी आनी चाहिए क्लाइंट के सामने बेइज्जती हो जाती है वरना कभी कभी जो लाइन भी सीधी नहीं खींचती टिश्यू के ऊपर ठीक है अच्छा स्टोम डोर डोर का मतलब होता है ग्लास का दरवाजा ग्लास डोर जिसको हम लोग बोलते हैं और इसमें क्या होता है आपका डोर में आपका यूपीवीसी मटेरियल हो सकता है आपका स्टील मटेरियल हो सकता है आपका MS आपका मटेरियल हो सकता है माइल स्टील यानी कि लोहा आपका हो सकता है एस एस आपका इसका मटेरियल हो सकता है आपका एल्यूमिनियम हो, हो सकता है आपका लकड़ी हो सकती है फर्क इतना है कि बीच में आपका शीशा होना चाहिए पैनल खोलने वाला इसको हम लोग डोर कहते हैं ठीक है डोर ज्यादातर आज के टाइम पे Uh, में यूज होते हैं जब अपार्टमेंट्स बनते हैं या फ्लैट्स वगैरह बनते हैं तो उनकी जो बाल्कनी बनती है हाई में उसमें सबसे ज्यादा यूज, यूज होते हैं या फिर स्लाइडर यूज होते हैं ठीक है पार्टी स्लाइडिंग डोर पार्टियों को अगर मैं वर्ड में बोलू तो पार्टियों का मतलब होता है पार्टीशन करना बेसिकली ठीक है पार्टी स्लाइडिंग डोर का मतलब यह है कि दो पार्टीशन part में स्लाइडिंग डोर है आपका इस तरफ भी खुल सकता है इस तरफ भी खुल सकता है ठीक है कई लोग ऐसा करते हैं जब जैसे हम लोग बनवाते हैं या हमने ही बनवाए अभी अपने होटल के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे थे हम लोग तो स्लाइडिंग डोर में क्या करते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम स्लाइड का एक फिक्स कर देते हैं और एक को ओपन करवा देते हैं दिखने में वो दरवाजा बड़ा दिखता है लेकिन वो खुलता एक ही तरफ है पांच फीट का दरवाजा हमने ढाई फीट पे खुलवा रखा उसको बस ढाई खुलता है ढाई बंद होता है ऐसा वाला ठीक है पार्टी ऑफ स्लाइडिंग डोर मतलब की एक स्लाइडिंग डोर ये जो दरवाजे हैं ये सारे के सारे दरवाजे आपके एक्सटीरियर के लिए यूज होते हैं इंटीरियर में दरवाजे यूज नहीं होते इंटीरियर में भी लोग कर लेते हैं आप जो पार्टी स्लाइडिंग डोर है लोग अपने लिविंग रूम और डाइनिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको यूज कर लेते हैं या अपना किचन और लिविंग को अलग करने के लिए इसको यूज कर लेते हैं बहुत सारी जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हो लेकिन ज्यादातर ये एक्सटीरियर के लिए यूज होते हैं एक्सटीरियर में भी कहां यूज होते हैं जो पीछे साइड के दरवाजे होते हैं बैक साइड के या कुछ इस टाइप के जहाँ जो घर आपके बड़े लैंड में बने हैं जहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है उनके उसमें ठीक है ये वाली चीजें भी होती हैं जैसे हम लोग जब डिजाइन बनाते हैं उसमें क्या है कि पुराने क्लास के जो बच्चे हैं जिन लोगों को एडवांस पढ़ना होता है वो लोग उस वाले क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं हफ्ते में दो दिन की क्लास होती है और वो जुलाई से लेकर आज तक चल रही है उसमें बच्चे ऐड होते जा रहे क्योंकि वो लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने और वो मेरे साथ मतलब मेरे रियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम कर रहे हैं तो उनमें एक है उनका कहना ये है कि मैम हम जो दरवाजे दिखाते हैं ना वो यहाँ चलते नहीं है जैसे मैं दिखाऊं मैं ये दरवाजा बना दू अपनी बैल्कनी में मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है जो की है ठीक है उसके बाद शीशा तोड़ के कभी अगर चोरी होगी तो सिक्योरिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है सोसाइटी में रह रहे हो चाहे कैमरा लगे हैं चाहे गार्ड्स हैं सब कुछ है कोई नहीं आ सकता अंदर गेट बंद सोसाइटी लेकिन अगर कुछ खराब होना है तो वो हो ही जाएगा है ना तो ये उनका कहना था कि मैम अगर हम यहाँ घर बनाएंगे तो यहाँ तो सिक्योरिटी का बहुत है, जो दिखने में ये चीज अच्छी लगती है लेकिन होगा क्या आप एक्चुअल में इसमें एक ग्रिल लगी होगी लोहे की जो की फैक्ट है जो कि फैक्ट है मेरे घर में जो एंट्री है उसमें मेरा एक पैनल डोर लगा हुआ है पैनल डोर के बाहर क्या एक जाली का लोहे का दरवाजा है जो कि जरूरी है लगवाना सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैं कुछ भी करके मैं दरवाजा नहीं लगवा सकती ये वाली चीज होती है ठीक है अब आती बारी इंटीरियर डोर्स की इंटीरियर डोर्स में भी एक पैनल डोर तो होता है जो मैंने आपको पहले बताया था अब बारी आती है आपकी फ्लश डोर की क्या चीज होती है आज के टाइम पे हर कोई लगवा रहा है हर कोई लगवा रहा है क्योंकि फ्लश डोर एक सबसे चीप एंड बेस्ट सिचुएशन uh, है किसी के भी घर को डिजाइन करने के लिए ये क्या भाई तू हर जगह निकल के आ रहा है नहीं है जरूरत फ्लैश डोर का मतलब होता है बेसिकली एक, एक बोर्ड एक बोर्ड है जिसके ऊपर आपने सनमाइका या आपने गोल्डन स्ट्रिप्स के साथ या आपने किसी चीज के साथ काम कर रखा है ठीक है इसमें ये दरवाजा ना प्लेन होता है बिल्कुल प्लेन होता है फ्लश डोर का मतलब है एक बैरियर है एक बोर्ड है जिसके ऊपर आप सनमाइका से डिफरेंट 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 डिजाइन में आप दरवाजे बना देते हैं मैंने आप आपको मैं अभी यहाँ पे बहुत सारे दिखा दूंगी तो टाटा के भी आते हैं ना उसमें किसके टाटा टाटा कंपनी वॉलपेपर लगाते हैं इसके ऊपर नहीं चाहो तो लगा सकते हो अगर आप चाहो लगा सकते हो लेकिन ये ना प्लेंग विनियर प्लेंग है प्लेन डोर पे आजकल लगा रहे हैं ना वॉलपेपर लगा के इसके डिजाइन लगा रहे हैं लगा रहे है। ये ऐसा लग रहा है एक ऑडी की एंट्री है ये यहाँ साकेत में है ऐसा तो बेसिकली और और होता क्या ना फ्लश डोर में ज्यादातर लोग विनियर वगैरह यूज करते हैं दिखने में अच्छी लगती है ना अब मैं आप लोगों को विनियर वर्सेज सनमाइका का एक वीडियो भेजूंगी आज आप देख लेना क्या होती है विनियर और क्या होती है सनमाइका क्या मटीरियल आपको पता चलेगा फ्लैश डोर बेसिकली मतलब फ्लैश डोर का मतलब सिर्फ यही है कि एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर आप सनमाइका के वेरिएशन में काम करते हो या विनियर्स के वेरिएशन में काम करते हो आप ग्रूव वगैरह बना बना के आप उसको यूज कर सकते हो अलग तरीके से इसमें सिर्फ एक लॉक एक चीज होती है जो आपको यूज मतलब कि बाहर इम्बोज से दिखती है उसके अलावा कोई चीज नहीं होती ठीक है प्लेन दरवाजा प्लेन लकड़ी का बोर्ड है, वो है, के बोर्ड है वो है वो वाटर रेजिस्टेंट भी है फायर रेजिस्टेंट भी है और ये वाली सारी चीजें हैं उनके साथ तो अगर आप इनके ऊपर चीजें लगा दे तो बोर्ड आते हैं अपलाई भी नहीं है बोर्ड यूज हो रहा है अगर आप इन सब चीजों को यूज करते हो अगर आप इन सारी चीजों को यूज करते हो तो वो आपको ये वाली चीजें बताएंगे आग पकड़ता है प्रॉपर्टी ऐसी है की की आग पकड़ती है, लेकिन हाँ, एक कुछ नहीं होता हाँ, वो वाली है पकड़ती भी है ना और पकड़ती भी है तो बुझ भी जल्दी जाती है रेसिस्टेंट में चीजों का फर्क है प्रूफ में और रेसिस्टेंट में फर्क होता है बहुत सारी चीजों का ठीक है अब आता है डोर फ्रेश डोर का मतलब बेसिकली ये कि फ्रेश डोर में ये चीज है कि आपका जो बाहर का जो ये है ना ये जो चीज है ये आपकी लकड़ी की भी हो सकती है या आपकी यूपीवीसी की भी हो सकती है या आपकी एल्यूमिनियम की भी हो सकती है इसका जो फ्रेम है बीच में इसके आ, ग्लास लगा होता है और ये जो दरवाजे हैं ये दरवाजे ज्यादातर आपके बैकयार्ड के लिए यूज होते हैं आपके गार्डन की एंट्री आपके घर से कहीं और की एंट्री या आपके घर में आपने कोई एरिया में पार्टीशन दे रखा है उसकी एंट्री ये तब यूज होते हैं ठीक है फ्रेश हां नेटवर्क इशू ग्रेनाइट ग्रेनाइट हां ग्रेनाइट नहीं इसका हाँ फ्रेम फ्रेम, फ्रेम. ग्रेनाइट पत्थर का हाँ बट पत्थर का दरवाजा खोल लोगे कैसे क्या बात कर रहे हो फ्रेम 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 मैम नहीं फ्रेम तो बन जाएगा फ्रेम की बात नहीं और मैं इसकी बात कर रही हूँ जो जो दरवाजे का जो शीशे का जो फ्रेम है शीशे के लिए जो फ्रेम हमने बनाए हैं उसका मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स ना यूपीवीसी के एग्जाम्पल्स दूंगी मैं मतलब मैंने फैक्ट्री विजिट किया था लास्ट लास्ट मंथ में दिसंबर में उसके हैं मेरे पास ठीक है उसके बाद आता है हमारा पॉकेट डोर पॉकेट डोर आप लोगों ने देखे होंगे शायद बाईपास डोर तो ज्यादातर देखा होगा लोगों ने पॉकेट डोर बता देती हूँ हाँ फ्रेश डोर वाला क्लियर नहीं हुआ था फ्रेश डोर वाला क्लियर नहीं हुआ फ्रेश लिखा गया है तो इंटीरियर में कैसे यूज होगा जैसे सपोज आपका घर है आपने लिविंग रूम बना रखा है लिविंग रूम से आपका बाकी सारे एरिया को आपने पार्टीशन में कन्वर्ट करना है आपका वो वाला पार्टनर किसी को दिखाई नहीं दे बाकी अंदर का तो आप ये वाला दरवाजा बीच में यूज कर सकते हो लगा सकते हो आप फ्रेश डोर को आप एज स्लाइडर लगा सकते हो फ्लेश डोर को आप एज अ पैनल पे बना सकते हो इसमें फ्रेश डोर का सिर्फ ये सीन होता है कि जो दरवाजा है इसमें फ्रेम लगा होता है फ्रेम के साथ आपके बीच में शीशा लगा होगा पूरा दरवाजा ट्रांसपेरेंट होता है छुपाने वाला कुछ नहीं है ट्रांसपेरेंट दरवाजा ट्रांसपेरेंट दरवाजा होता है फ्रेश डोर बोला जाता है उसको आपके बैक के लिए आपके गार्डन के एंट्रीज के लिए यूज हो सकते हैं ये वाले ठीक है इसके बाद पॉकेट डोर जो है पॉकेट डोर uh, मतलब दरवाजा है अगर आपका तीन फीट का दरवाजा होता है तीन फीट का एरिया होता है बेसिकली का दरवाजा होता है ऑलमोस्ट और अगर तीन का पूरा चाहिए तो फिर तीन तीन का हम एरिया छोड़ते हैं तीन फीट तीन इंच का और तीन फीट का हमारा दरवाजा बनता है तो जो तीन फीट का दरवाजा है आपने क्या करा आपने उसमें दो फीट के एरिया को एक रखा एक फीट के एरिया को एक रखा जैसा कि आपको फोटो में दिखाई देगा सेक्शंस में ठीक है तो ये जो दरवाजा है ना इसमें हैंडल नहीं है इसके पीछे कुंडी होती है बस ज्यादातर दरवाजा ये वाला ही यूज होता है इसको हम घर में भी यूज कर सकते हैं आप इसको अपनी मेन एंट्री के लिए भी यूज कर सकते वैसे मेन एंट्री में ये वाला चलता नहीं है पॉकेट डोर ये बताऊ तो कहा चलते हैं पॉकेट डोर चलते हैं होटल के कमरों में होटल के कमरे अगर डबल डोर के बनते हैं तो और पॉकेट डोर बहुत ज्यादा रेयर कहीं यूज होता है बाईपास डोर बताऊंगी कहा यूज होता है तो इनका इस दरवाजे का सिर्फ यूज इतना है कि जब आपको चाहिए हो तब आप दोनों खोल सकते हो अदरवाइज आप एक डोर को खोल के काम चला सकते हो इस वाले पे ठीक बाई है बाईपास डोर है बाईपास डोर आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स में अगर आप गए हो तो इमरजेंसी एग्जिट की देखिए आपने सीढ़ियों में जो दरवाजे लगे होते हैं बड़े से देखें मॉल्स में किसी भी कम्युनिटी सेंटर में या थिएटर में देखे होंगे आपने आधा दरवाजा छोटा सा खोल के रखते हैं बड़ा वाला बंद रखते हैं तो ये बाईपास डोर होता है

उसके बाद आपने क्या करना होता है ये जो दरवाजा है ये आपका इस तरीके से यूज होता है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी एग्जिट इमरजेंसी हुई है फायर का कोई सेक्शन है कुछ हुआ है तब वो दरवाजा पूरी तरीके से खोला जाता है दोनों तरफ अदरवाइज दरवाजा एक ही तरफ खुलता है और ज्यादातर क्या होता है आप कभी भी नोटिस करना अगली बार मॉल में जाओ या कभी ऐसे जाओ आपको डोर दिखे ना चेक कर लेना ये जो दरवाजा है ना ये खुलेगा ना तो ये दीवार की तरफ खुलेगा ये दरवाजा दीवार पे लगेगा क्योंकि इसका जो साइज होगा ना इस दरवाजे का साइज इस वाले एरिया का साइज ऑलमोस्ट तीन से साढ़े तीन फिट होगा और ये जो होगा बचा हुआ ये डेढ़ फीट का दरवाजा होगा तो क्या होगा ये वाला दरवाजा आपका खोलते हो तो ये छोटा होता है तो आपका साइड में आ जाता है ये वाला दरवाजा काफी बड़ा होता है तो ये दीवार की तरफ जाता है हमेशा ये वाली चीजें भी बहुत मैटर करती है जब आप दरवाजे की ओपनिंग्स बनाते हो ना प्लान में अपने प्लॉट के ऊपर तो आपकी दरवाजे की ओपनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है इस चीज में ठीक है, बाइफोल डोर पुराने घरों में देखे होंगे और बायफोल डोर आजकल अलमारियों में भी लग रहे हैं क्यों लग रहे हैं क्योंकि अलमारियों को खोलने के लिए जगह कम है हमारे पास कुछ इस टाइप से बायफोल्ड दरवाजे वाले होते हैं आपका ठीक है ये ज्यादा तब यूज किए जाते हैं जब आपके पास स्पेस की कमी होती है किसी चीज के दरवाजा खोलने के लिए कमी स्पेस कम पड़ रहा है आपको अलमारी खोलनी है अलमारी खोलने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है तो ये कुछ इस टाइप के दरवाजे बनते हैं बाईफोल्ड और ये आजकल फैशन में है फैशन में है कि आप अलमारियों के दरवाजे बनाते हैं उससे क्यों आप, आप नोटिस करना ना आजकल क्या होता है बेड बनाया साइड टेबल बनाया जो टिपिकल जो एक हमारा एक आइडियोलॉजी वाला जो हमारा लेआउट है कि हमने एक बेड बनाया बेड के बगल में दो साइड टेबल बना है अलमारी बना बना दी ये दिया ऐसा वाला उसमें क्या है हमारे पास दरवाजा खोलने की जगह नहीं है 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 क्योंकि जो जो रूम है वो का मुश्किल से में में इसको फिट करने में जो टिपिकल लेआउट उसमें प्रॉब्लम होती है लेकिन क्लाइंट को वो टिपिकल ही पसंद आते हैं क्योंकि वो सारे के सारे प्रिंटरेस्ट में चली हुई रहे आप अगर लेआउट चेंज करने की कोशिश करोगे तो क्लाइंट को नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या करना है आपने अपने डिजाइन को आइडियलाइज कर देना किसी और तरीके से कि आप एक काम करो स्लाइडर पड़ता है महंगा स्लाइडर डोर पड़ रहा है महंगा तो आप एक काम करो बाइफोर्ड बना लो लेकिन बाइफोर्ड में भी स्लाइडर लगता है जो ये ऊपर का जो शटर है आपको क्या लगता है कैसे टिकता होगा ये जो चीज सॉरी स्वरे, एक सेकेंड अरे मेरा लेफ्ट ये जो ऊपर दिख रहा है ना ये शटर होता है ये जो चीज है ये जो दरवाजा है ये इसके साथ पूरा चल रहा है अगर आप उस शटर को ऊपर नहीं अटकाओगे अगर आप इस चीज को यहाँ नहीं अटकाओगे तो ये दरवाजा नहीं लगता आपको निकल के बाहर आ जाएगा जब आप इसको खोलोगे तो ये यह शटर यहाँ अटकेगा तो शटर तो तब भी यूज हो रहा है स्लाइडिंग वो तब भी यूज हो रहा है बस आपने हिंज में कन्वर्ट कर दिया उसको आपने पैनल डोर की तरह कन्वर्ट कर दिया उसको और ट्रस्ट मी आ, स्लाइडिंग डोर की अलमारियां एज कम्पेयर टू पैनल डोर कॉस्टली पड़ती है क्योंकि हार्डवेयर का फर्क आता है हार्डवेयर का फर्क आता है इसकी वजह से ठीक है तो ये आपके कुछ डोर्स हैं आप लोगों ने क्या करना है इनको हटा के मतलब डोर का टाइप ऑफ डोर यही है आपने डिजाइन बनाने है। आपने डिजाइन बनानी है और आपने मुझे लिखना है कि आपने कौन से मटेरियल में बनाया है। मटेरियल चलो लकड़ी पे बना हाँ, चलो लकड़ी बना लिया जैसे आपने व्हाइट कलर का देखा सपोज आप देखते हो ना जैसे मैंने करा ये है ना फ्रेश डोर यूपीवीसी है सफेद कलर दिख रहा है यूपीवीसी का दरवाजा है ठीक है अब आप, आपको नहीं पता कि ये क्या है नहीं पता है आपको क्या है तो आप ना इस चीज की रिसर्च क्या करो कि व्हाइट कलर का दरवाजा अगर दिख रहा है तो क्या है यूपीवीसी है या लकड़ी करके उसके ऊपर डुको किया गया है या डुको क्या चीज होती है जब पढ़ना शुरू करो ना तो थोड़ा सा डुबकी मार लो अब ऐसे डुबकी मारो कि मुझसे चार सवाल कर सको उस चीज के लिए थोड़ा सा खुद पढ़ोगे देखो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक सवाल नहीं आते